गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10, जो कि आपकी जनरिक यानी कॉमन वर्कशीट है। क्लास 7th एंड 8th दोनों क्लास के इस वर्कशीट को करेंगे, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को करेंगे। डेट है जिसकी 16 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। जो आज की जो वर्कशीट है वो बहुत आसान सी है, मैप से रिलेटेड है, थोड़ा हम समझेंगे एंड इसके क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं वो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अमन अपने चाचा के साथ कॉलोनी की सैर करके बहुत खुश था। वह कॉलोनी के बारे में और भी जानकारी चाहता था। चाचा ने उसे कॉलोनी का नक्शा दिखाया। दिए गए नक्शे के आधार पर उन्होंने अमन से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की मदद कीजिए। अब जो अमन है वो अपने चाचा के साथ कॉलोनी घूमा था, उसने बहुत खुश हुआ। उसे कॉलोनी के बारे में बहुत कुछ और जानना था, तो उसके जो चाचा हैं उन्होंने उसे नक्शा दिखाया। अब उन्होंने उन्हें नक्शा दिया, फिर उससे कुछ प्रश्न पूछे। अब अमन की आपको हेल्प करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है, ये गली नंबर 3 है, ये गली नंबर 4 है, ये गली नंबर 5 है, ये गली नंबर 6 है और ये गली नंबर 7 है। गली नंबर 1 के बैक साइड में यानी लेफ्ट साइड में पोस्ट ऑफिस है। और गली नंबर 2 के सामने एकदम राइट हैंड साइड बोलें तो ये पोस्ट ऑफिस है। फिर आप देखेंगे गली नंबर 5 के स्कूल है और पुलिस स्टेशन है। गली नंबर 7 में मदर डेयरी है, मंदिर है। गली नंबर 6 के सामने बैंक है। गली नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड डिस्पेंसरी है और राइट हैंड साइड पार्क है। और गली नंबर इसके 4 में उसके आगे पार्क है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आज की वर्कशीट को सॉल्व करते हुए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है? तो आप देखेंगे गली नंबर 3 ये है, इसके दाईं ओर, ये दाईं ओर हो जाएगा, ये बाईं ओर हो जाएगा। तो दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है? डिस्पेंसरी। तो आप इस जो इमारत डिस्पेंसरी स्थित है तो आप इसका आंसर करेंगे। अगर हम गली नंबर 5 की तरफ से देखें यानी ऊपर की तरफ से देखें, यहाँ की तरफ से देखें, तो ये दाईं ओर डिस्पेंसरी पड़ेगी और पार्क हमारा बाईं ओर पड़ेगा। तो आप यहाँ से करेंगे आंसर दाईं ओर डिस्पेंसरी, जबकि बाईं ओर पार्क गली नंबर 5 से अगर हम देखें तो। प्रश्न नंबर 2 है, पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है? पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर, यहाँ आप देखेंगे ये जो पोस्ट ऑफिस है, दाईं ओर ये हो जाएगा, बाईं ओर ये हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर गली नंबर 1 हो जाएगी। तो आप इसका आंसर करेंगे गली नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है, आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं, वहाँ से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नीले रंग से दर्शाइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, हम गली नंबर 2 से होते हुए गली नंबर 5 में जाएंगे और वहीं पर स्कूल है। तो सबसे छोटा रास्ता आप लिख भी लेंगे और दर्शाएंगे भी। गली नंबर 2 से होते हुए गली नंबर 5 में जाएंगे, यही सबसे छोटा रास्ता स्कूल और मदर डेयरी के बीच में। तो आप इसे ब्लू कलर से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं, किन्हीं दो रास्तों के बारे में लिखिए। तो आप कौन कौन सा रास्ता यूज़ कर सकते हैं, आप इसका आंसर करेंगे। पहले हम गली नंबर 5 से गली नंबर 3 होते हुए गली नंबर 6 में स्थित बैंक तक जा सकते हैं। दूसरा, गली नंबर 5 से गली नंबर 2 होते हुए गली नंबर 6 में हम स्थित बैंक जा सकते हैं। यहाँ पे हम बैंक नक्शे में भी देख सकते हैं, गली नंबर 6 से गली नंबर 2 में, फिर गली नंबर 5 में हम एंटर करेंगे तब भी हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, या गली नंबर 6 से हम गली नंबर 3 में जाएंगे फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे तब भी हम पार्क में एंटर कर सकते हैं। तो ये रास्ता भी रहेगा, ये रास्ता भी रहेगा। फिर पांचवा जो प्रश्न है वो, अपने मित्र के साथ मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र कीजिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई से पहुंच सके। तो आपको क्या करना है, एक मानचित्र बनाना है जिसमें आपके दोस्त का घर और आपका घर मेंशन हो, आप कौन कौन से रास्ते, कौन कौन सी बिल्डिंग, कौन कौन से दुकानें उसमें आई हैं, आपको सब मेंशन करना है, हर गली नंबर, हर चीज़ आपको मेंशन करना है। आपको ये खुद करना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपके जो दोस्त का घर है वो हमें नहीं पता। आपको बस एक अंदाज़ा लगाना है, जैसे आप इस गली में रहते हैं और वो तीसरी गली में रहते हैं, तो आपको कौन कौन सी दुकानें हैं वो आपको बनानी है, मेंशन करना है सब कुछ। जैसा आपने ऊपर मैप देखा वैसे ही आपको करना है। प्रश्न नंबर 6 है, जब आप
कभी अपने नाना या दादा के किसी संबंधी के घर गए तो वहाँ पे आपने अनुभवों को साझा कीजिए। वहाँ पे आपने कैसा फील किया आपको बताना है, तो आपका आंसर करेंगे आप। ये एक बस सोच के मैंने लिखा है, आप उस अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नानी का घर मतलब शैतानी का घर, मेरा ननिहाल मौजपुर में है। मुझे रोहिणी से मौजपुर जाने के लिए रिठाला मेट्रो स्टेशन से रेड लाइन की मेट्रो को पकड़ना होता है। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से ऑटो से मैं मौजपुर पहुंचता हूँ। मौजपुर में ब्लॉक सी में गली नंबर 9 में नानी जी का घर है। तो ये हमने एज अ मैप में बता दिया पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो ये आप लिख सकते हैं। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइज़।